અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા રાજીવ ત્યાગીની સુરત ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ મળી હતી, જેમાં તેઓએ સીએએ અને એનઆરસી મુદ્દે ભાજપની ટીકા કરી હતી. આ દરમિયાન બાબુ રાયકા સહિત અન્ય કોંગી આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. आप सभी को मेरा नमस्कार. मुझे हर्ष है कि मैं गुजरात की पावन धरा पर हूँ, उस धरा पर जिस धरा से हमें महात्मा गांधी और सरदार पटेल सरीखे महापुरुष मिले, जिन्होंने अपना सर्वस्व छावर देश के लिए किया. आप सभी उपस्थित दोस्तों को मेरी तरफ से नववर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं, गुजरात वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, किसानों की तंगहाल स्थिति, गिरते उपभोग से ध्यान भटकाने के लिए नागरिकों में सामाजिक व सांप्रदायिक रूप से द्वेष की भावना पैदा कर रही है, वो चिंता का विषय है. कांग्रेस सीएए और एनआरसी का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि यह संविधान की भावना के खिलाफ है. इससे पूरे देश में गरीब और कमज़ोर तबके के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और उन लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव भी होगा. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संवेदन शून्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह बता देना चाहती है कि आज वो विद्यार्थियों के साथ, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ पूर्णतया खड़ी हुई है और उनके दमन पर अपनी पीड़ा व्यक्त करती है. आज जिस तरह से देश के विश्वविद्यालयों में, IIT में, IIMs में और अन्य शिक्षण संस्थाओं में छात्र आंदोलित हैं, वह चिंता का विषय है और वह सभी NRC का और CAA का विरोध करने का कार्य कर रहे हैं. कांग्रेस यह भी मानती है कि महात्मा गांधी जी के देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और साथ साथ लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज़ सुनने का कार्य भी सरकार को करना चाहिए और नागरिक यदि कोई आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को सरकार को सुन करके उसका निस्तारण भी तुरंत करना चाहिए. उधर कांग्रेस पार्टी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रवैये की निंदा करती है और आज भारत में जिस तरह से विद्यार्थी आंदोलित हैं, कांग्रेस पार्टी उन विद्यार्थियों के साथ अपनी आवाज़ मिलाने की घोषणा करती है और उनके साथ खड़ा होने की घोषणा करती है. कांग्रेस पार्टी यह भी मानती है कि जिस तरह से जाति और धर्म के आधार पर पूरे देश में एक वातावरण बनाया जा रहा है, वह सबसे बड़ा पाप है और गांधी की धरा पर, पटेल साहब की धरा पर मैं कहना चाहूँगा कि गुजरात प्रेम का संदेश देता है, तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय को और देश के गृहमंत्री महोदय को प्रेम का संदेश यहाँ से लेना चाहिए, जो वो ले नहीं रहे. मूल मुद्दों से भटकाना भारतीय जनता पार्टी की साजिश का एक हिस्सा है और मैं बहुत स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि देश में आज अभूतपूर्व बेरोजगारी है, आर्थिक मंदी है, किसानों में निराशा है, गिरता उपभोग हो रहा है और सरकार पूर्णतया विफल है. आर्थिक मंदी से उभरने के लिए पिछले 6 साल में कहीं भी किस प्रकार से कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती है और जिस तरह से सरकार ये बता नहीं पा रही है, सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष वो पैदा करेगी लेकिन सरकार ये नहीं बता पा रही कि 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आज क्यों है. सरकार और देश के प्रधानमंत्री यह दावा करते हैं, घोषणा करते हैं कि देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का काम करेंगे लेकिन यह नहीं बता पा रहे कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर आज 4.5% क्यों है. और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि सरकार 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है तो प्रत्येक वर्ष 10% की दर से आर्थिक विकास दर चाहिए.